सो हेलो गाइस, क्या चल रहा है? तो स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। राजू बना चुके हैं। हाँ जी, एक और वीडियो में तो आए हैं, लेकिन ओल्ड बेसिन में आए हैं और फेवरेट वाले घर पे आए हैं। और उधर तो ये सॉर्ट ऑफ मिलती है, जो कि मैं जब उठाता तो कम ही बंदे मरते हैं, लेकिन क्लोज रेंज बंदे मेरे मार जाते ना तो मैं जरूर मर जाता हूँ। इसका मतलब यही है मैं ढंग से चलाता नहीं हूँ। मेरे को देखो, वेस्ट और गन दोनों मिल चुकी थी। मैं निकल तो थोड़ा आगे की तरफ इस वाली शैक से मैं कूदा। मुझे पता था आगे कोई ना कोई बंदा जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उस घर में बंदे जरूर होते हैं। और मेरे ख्याल से मैं नॉक होने वाला हूँ पक्का। चंदू के चाचा ने यहाँ पे मेरे को नॉक कर दिया, और वो देखो चंद सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर ही पहुंचा था, क्योंकि उसे पता था यार काफी लो है वो भी। मैंने काफी लो कर दिया था उसको, मैं आपको बता दूं। तो मेरे टीममेट ने मेरे को रिवाइव करा। रिवाइव करते ही मैं अंदर की तरफ लपक जाता हूँ कि भैया अपन को कवर में रहना पड़ेगा, एक बार फर्स्ट एड लगा ले, फिर वापस से एक्शन में आएंगे। तो मैं ऊपर की तरफ पहुंचा, ऊपर से मैं नीचे कूदता हूँ सीधा, पता नहीं क्यों, क्योंकि फुटस्टेप्स आए थे ना। सुनो, ग्राउंड फ्लोर पे पक्का कोई ना कोई बंदा था, और वो रहा जिसने मुझे नॉक करा था। इसको तो पूरा फिनिश करा, पर इसके टीममेट भाई बदला लेना जरूर आएंगे। और याद करना मैंने क्या बोला, इसके टीममेट एक और भी है। और सिर्फ टीम ही नहीं भाई, टीम भी एक और होगी। मतलब ये पता नहीं कौन सी टीम की उस तरफ से आ गया, शायद रोड के उस पास जो घर है। तो मैं सोचा भाई मैं तो ऊपर ही चल लेता हूँ अभी, और M24 वगैरह मैंने उठा ली कि हाँ भाई इंटेंस सिचुएशन में स्नाइपर्स काम आ जाती, कभी कभी हेड लग जाता ना तो काम आ जाती है। तो मैं सोचा मैं ऊपर ही रहता हूँ, टीममेट को नीचे रह रहा हूँ, क्योंकि उस पास ज्यादा हेल्थ है, समझ रहे। मैं दूसरे वाले घर पे गया, लेकिन मेरा टीममेट नीचे फाइट लेने लग गया। तो मैं सोचा ऐसे कैसे किल चोरी कर लूंगा, इतनी हेल्थ में किल चोरी तो कर सकता हूँ। और वो हेडशॉट इतना ज्यादा स्मूथ था ना यार, मतलब मेरे को खुद को नहीं पता चला कि वो मैंने शूट करा फिर कैसे। जस्ट तो मैं अपने आप चल रहा हूँ और अपने आप बिना ही बटन दबाए क्लिक हो गया हो, ऐसा फील आया था। लेकिन बटन तो मैंने दबाया था, मेहनत करी थी। खैर जो भी, यहाँ से मैंने क्रेट वगैरह लूट लिए, एक्सटर्नल बैग वगैरह मेरे को मिल जाता है। गाड़ी पकड़ के हम लोग आते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ से कहाँ चुके हैं। और अब जाके एक गाड़ी दिखी, एक डाचे दिखते हमको, जो कि अपार्टमेंट की तरफ बिना पंगे लिए जा रहे थे। हम भी इनके पीछे लगा रहे थे कि चलो बेटा कहाँ तक चलोगे, बग्गी है इतनी तकड़ी है, वेरेज है, मैप दो तीन बार घूम लेंगे हम, और फाइनली अपार्टमेंट के पास रुकते हैं। चलो और ओल्ड बेसिन वाला वो हेडशॉट याद है ना? नहीं नहीं मैंने तो ऐसे याद दिला दिया। मजा आ गया M24 से, मतलब कसम से गन तो है कमाल की, लेकिन इसके बॉडी शॉट्स बड़े ही पद्दू है, मैं बता रहा ना, बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन हेडशॉट लग जाता तो कमाल है। खैर जो भी हो, वापस गाड़ी पकड़े और इस बार हम आते स्टेडियम चेक करने। और यहाँ पे भाई बोल बाला था, देखो एक तो ड्रॉप आ रहा था और काफी गाड़ी थी, मेरा टीममेट बरस जाता बंदों पे। अब आप लोग जरा ऊपर की तरफ देखो, देखो एक गाड़ी भी आई यहाँ पे, एक बंदा नीचे की तरफ भी है, और मेरी गाड़ी यहाँ पे ठुक गई। मेरा टीम में नॉक हो सकता था, लेकिन ऊपर मुझे एक बंदा दिख चुका था। अब भले आप लोगों को ना दिखाओ, मैं देखो गाड़ी रोके बिल्कुल टॉप पे जा चुका था यहाँ पे। और अब जरा आप लोग एक बार फुटस्टेप्स देखो, सुनो खुद कितने सारे बंदे हो सकते हैं। देखो आसपास से फुटस्टेप्स तो काफी सारे आ रहे थे, लेकिन कोई बंदा आता ही नहीं ना तो हमारी तरफ रश करने। और मुझे पता था इस क्लासरूम की तरफ से कहीं ना कहीं फुटस्टेप्स आ रहा है, तो मैं उस तरफ कूदता हूँ। और जैसे कूदा मुझे ऊपर की तरफ एक बंदा दिख चुका था, क्या ही शॉट लगा इस बंदे के। अब देखो ऊपर से 2 फुट जब से आ रहे थे, मतलब उसका टीममेट है आसपास जो कि रिवाइव कर देगा, तो भाई जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। नहीं यार कुछ नहीं हो सकता।